कंफर्टेबल लूज क्लोथ्स पहने मैंने ताकि बस में ट्रैवल करने के लिए इजी हो। है उड़पी की मार्केट जहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया, हमने लिए हैं 2 एप्पल और 2 बनाना। पुलिस के साथ ही एक्सीडेंट। हेलो, ये आगे हमारी जीजी अदी दोरी है, हमारी कैंडल जेनर। शादी में आते ही हम लोगों को खाना दे रही है। सालों हो गए मैं इतनी सुबह नहीं उठी, 6 बज रहे हैं यहाँ पे। यूजुअली मैं 6 बजे को कभी कभी सोने जा रही होती हूँ, आज मैं उठी हुई हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है। देख सकती हो मेरे पीछे, तो एक्चुअली इट इज़ 6 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं निकल रही हूँ कहीं पे तो जाने के लिए। तो डेस्टिनेशन में जब मैं पहुँचूँगी मैं तभी आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल द अपडेट्स, व्हाट एवर आई एम गोइंग टू डू इन दीज 2 डेज विद माई फ्रेंड्स, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? वैसे आई एम ड्रेस्ड, मैं रेडी हूँ अभी, यू नो मेरी फ्रेंड एक बस में ऑलरेडी बैठी है मुंबई से, सो शी कम टू मैंगलोर। वो जैसे मैंगलोर आएगी मेरी तो मुझे कॉल करेगी एंड वो कॉल करके देन आई विल गो यू नो टू मैंगलोर। स्टेट बैंक से मुझे बस पकड़ना है तो वहाँ पे जाएंगे, बस पकड़ेंगे एंड देन हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो रेडी वेडी मैं ऑलरेडी होकर बैठ चुकी हूँ, मम्मी भी उठ चुकी है, तो बस ब्रेकफास्ट करती हूँ और निकलती हूँ। A few moments later. Comfortable loose clothes पहने मैंने ताकि बस में travel करने के लिए easy हो। Luggage में मेरे पास एक bag है and मेरा ये एक hand bag है, इसमें laptop है, तो बस मैं इतना ही चीज़ें उठा रही हूँ। मैंने कुछ भी excess में नहीं लिया है तो ensure that मेरे पास ज़्यादा भारी वजन ना हो। तो मुझे बस भी मिल गया और नेरी भी मिल गई। अभी बस तो एकदम खाली है, कोई नहीं है बस में। जब तक ये बस भरती नहीं है आई डोंट थिंक कि ये लोग इसे निकालेंगे भी यहाँ से। सो लेट्स सी ये कब निकलती है। और अब मैं डायरेक्टली जहाँ पे पहुँचना है, मैं डेस्टिनेशन उधर जाके पहुँच के आपको मिलूँगी, क्योंकि बस में मैं व्लॉग नहीं बनाने वाली। सो बाय। तो हमारा बस जो है वो रुक गया है एक जगह पे उड़पी, और 20 मिनट्स का स्टे है यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग जर्नी है। एटलीस्ट हम पहुँचने के लिए अभी यहाँ पे 10 बजे, हम 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पे आए थे कुछ फ्रूट्स ख़रीदने के लिए, ऑन द वे हम खा सकते हैं ना। ये है उड़पी की मार्केट जहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया, हमने लिए हैं 2 एप्पल और 2 बनाना। तो अभी हम पानी, एप्पल, बनाना सब लेके हमारे बस के तरफ वापस चलेंगे। उससे पहले कई वॉशरूम है तो वो ढूंढ के थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर बस में बैठ के फिर, अभी तो मुझे लग रहा है कि हम सो जाएंगे। अब तक तो हम चिट चैट कर रहे थे बट नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम वी स्लीप, वरना 2 बजे बचते बचते हमारी बच जाएगी। मेनी अनबेरेबल आवर्स लेटर, फाइनली हमारी 5 घंटे की जो एक्सटेंसिव जर्नी थी वो खत्म हो चुकी है और हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा प्लेस जहाँ हम खाना खा सके, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाने की जरूरत है होटल ब्राइट वालों को। चलो जा सकते हैं, ठीक है। और हमारे ब्राइट में बहुत वेटिंग है, शायद अच्छा रेस्टोरेंट होगा यहाँ शिमोगा का, हमें पता तो नहीं है। लेट्स सी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ಎಂತ ಸರ್ 100 ರೂಪಾಯಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನೀವು 40% ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹಮೇ ಥೋಡಾ ಸಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಮೇರೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರೇ ಡ್ರೈ ಹೋ ಗಏ, ದ ಫೆದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಡ್ರೈ ಹೋ ಯಾರ್, ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ. ಆರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಥೋಡಾ ಸಾ ಇಶ್ಯೂ ಹೋ ರಹಾ ಕ್ಯೂಕಿ ಹಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಮ್ ಆಯೇ ತೋ ಹಮೇ ಭೀ ಪತಾ ನಹೀ ಹೈ, ತೋ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೋಟೆಲ್ ಜೋ ಹಮನೇ ಬುಕ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ವೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೋ ಯಹಾಂ ಪೇ ಸ್ಟೇ ಕರತಾ ಹೈ ಉಸೇ ಕಾಲ್ ಕರ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಭಿ ಪತಾ ಲಗಾಯಾ ಹೈ. ತೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ನೋ 40-60 rupees बोला था, 40 rupees ज़्यादा करके इट्स मेड टू 100. सो लेट्स सी, जैसे ही आई होप पहुँच जाए अच्छे से, कोई इशू ना आए. इशू आते आते बच गए, पुलिस के साथ ही एक्सीडेंट. शिमू के एंटर होते ही हम लोगों का कार डरा, डिजास्टर है ना, मेरे को लग रहा है अपने दोनों में कॉम्बो में. सीरियसली, ये है पट्टे का स्मार्ट सिटी और पट्टे वो है जिसके शादी में हम आए. अरे इले शिमू का दलिए ना लगे फेमस नोड़ क्या ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ? ಹೌದಾ, ಇನ್ನೂ 100 kilometers? ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಹತ್ರನೇ ನೋಡಕ್ಕೆ? ಸಫಾರಿ ಭಂಡಾರ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಈ ಥರನೇನಾ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ? ಬೇಸಿಗೆನೇನಾ? डेस्टिनेशन पे आ गए हम लोग, श्री साई होटल. अरे
Later. This is the view outside my room. It's somewhere around 4:30 in the evening now. और शाम में जो है रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन के लिए हमें रेडी होना है. दिस इज़ आर रूम. रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए. सो कुछ देर में भी हम रेडी होंगे. विल गेट ड्रेस्ड अप एंड देन विल गो टू द लोकेशन वेयर द रिसेप्शन इज केप्ट. दैट्स द अपडेट फॉर नाउ. एंड दिस इज नीरी स्ट्रेट आउट ऑफ द बाथरूम. 2 hours later. And I'm ready. For the wedding, wedding नहीं, for the reception. वैसे यहाँ पे reception पहले होता है, wedding बाद में होता है. तो जो normal शादी होती है उसमें wedding पहले होता है, reception बाद में होता है. But ये केस में अलग है. I mean है ना, ऐसे होता है ना. हाँ, तो ये मैं हूँ, ये मेरा OOTD है और ये मेरी दिशा का OOTD है. ये निरीक्षा हमारी रेडी होगी. ये निरीक्षा का OOTD. निरीक्षा हमारी एकदम एलिगेंट क्वीन लग रही है. ये आ गई हमारी जीजी अदित और ये हमारी कैंडल जेनर. तुम लोग दोनों तो ट्विन हो रहे हो और लिटरली वीडियो में ना तुम लोग दोनों का शेड सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है. तो दैट्स इट नाउ. विल गो टू द हॉल है ना, दिशा क्या है. हाँ, विल गो टू द हॉल एंड आई शो यू the groom and his bride to be or today she'll be. So yeah, let's go. यहाँ पे शादी में आते ही हम लोगों को खाना दे रही है. पहली बार देखा, तो वी आर गोइंग टू स्नैक. क्योंकि भूखे तो हम हैं, तो हम स्नैक करते हैं. A few moments later. खाना नहीं मिला इसके बाद, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मेरे को क्रोध है. क्रोध है? किस पे क्रोध है आपको? मेरे को फाइंड योर राइट लाइफ पार्टनर वेंडर के ऊपर क्रोध है. दे दो थोड़ा, दो हमें खाना, दे दो हमें खाना चाहिए. फाइनली बहुत इंतजार कराने के बाद हमारा खाना आने वाला है. डिनर एंड अब हो गया है रिसेप्शन, तो अब घर जाएंगे. कल होगी इनकी शादी, तो कल दोबारा से रेडी होके इसी हॉल में आना है. सो लेट्स गो. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो वी आर बैक फ्रॉम द रिसेप्शन हाउस, फ्रॉम द रिसेप्शन हॉल. एंड आज के लिए बस इतना ही. लेट्स सी यू टुमारो. द नेक्स्ट मॉर्निंग. हेलो एवरीवन, इट्स डे 2 एंड टुडे इज द एक्चुअल वेडिंग. सो आई एम रेडी फॉर द वेडिंग. Disha is getting ready, she's not yet ready and we are already late. तो फटाफट से सब रेडी होके निकलते हैं. रूम में बोर हो रहे थे तो हम लोग एक छोटी सी दुकान मिली, हमें यहाँ पे आए हैं हॉल को जाने से पहले. और मजे के कैसे है रे, अच्छा है क्या?
और अभी दिशा को बज्जी खाने का मन किया। कौन सा बज्जी है? केला है शायद। मिर्ची है? नहीं बटर पड़ा। अच्छा मिर्ची का बज्जी और मज़े। तो शादी तो वैसे हो गई है अभी, बस हम लोग जाके वहाँ पे खाना खा के वापस आएंगे। उसके बाद मैं और निरी यहाँ से निकलेंगे कुछ 2-3 बजे तक, क्योंकि हमें बस पकड़ के फिर घर भी पहुँचना है। तो क्योंकि दिशा और काव्या वो लोग जाएंगे बैंगलोर, क्योंकि वो लोग बैंगलोर से आए थे, तो वो लोग KSRTC आई थिंक रात में पकड़ेंगे स्लीपर। लेकिन मुझे और निरी को जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास KSRTC का ऑप्शन नहीं है और ना ही स्लीपर का ऑप्शन है। हमारे पास वही धक्के खाने का ऑप्शन है जो हम कल खा के आए थे। आगे हम मॉल वापस, और यहाँ पे पति की शादी ऑलरेडी हो गई है तो हम वेट कर रहे हैं उसे विश करने के लिए। शादी है और खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं हो सकता। और तो यहाँ पे पूरा खाना खाने वाली पार्टी बैठी है हमारी। वो ये साथ में देखे गए क्या? कल ये सेपरेटली देखे गए थे। इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू क्लीन योर लीफ बिफोर ईटिंग। शादी हमारी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, हमारी नहीं दीपक की शादी हो चुकी है। और अब हम आए यहाँ पे होटल में चेकआउट करेंगे, और एक्चुअली 2:30 का था एंड वी ऑलरेडी लेट, तो हम लोगों को ये लोग पूछे कि जल्दी करो इससे पहले कि हमें धक्का मारे और बाहर निकाले इनके ज़मीन और जायदाद से। हम जाएंगे अंदर फटाफट से अपना बैग पैक करके निकलेंगे। बाय बाय। शादी हो गई है, अब बस घर जाके पढ़ना है हम लोगों को। कितना एक जगह पे इतना हेक्टिक था, इन कपड़ों में ऐसे शादी का मेकअप डाल के हम ऐसे ही निकल लिए। तो बस अभी बस मिलेगी कि नहीं पता अभी यार। ऑलरेडी हो गया 3:00, सो आई होप हमें मिल जाए कोई बस और हम रात तक पहुंच जाए घर पे। लेट्स सी बस स्टैंड जाके, देन आई अपडेट यू ऑल। कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? हाँ सही था, थोड़ा टायरिंग है ना बस ट्रैवल करना है। पाँच आते वक्त पाँच लगा ले पाँच घंटा 7 बजे 3 बज गए अभी, 3 ज़्यादा हो गए। 3:30 को अगर हमको बस मिला सोच, फिर देख 3:10 हो गया है। अगर हम लोगों को 3:30 का बस भी मिलता हम लोग 9-10 बजे पहुँच जाएंगे लगता है। A few moments later, मेरे को देखो बच्चों के जैसे आइस कैंडी खा रही, मेरे लिए भी लिया इसने। बस हमारा स्टॉप हो गया एक जगह पे आगुम्बे में। ऑलरेडी हमने 2 घंटे की जर्नी कर ली है और हमें अभी चाय पीनी थी, तो हम आए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, छोटा सा बस स्टॉप पे रेस्टोरेंट है, तो हम चाय पियेंगे और फिर चाय पी के यहाँ से निकलेंगे। मैंगलोर का एस्टिमेटेड टाइम है 9 बजे, आई होप मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँ, वरना मुझे ऑटोज नहीं मिलेंगे फिर घर जाने के लिए। हमने चाय के साथ ये गोली बजे ऑर्डर किया है, मेरा फेवरेट। अच्छा है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो फ्रॉम द अदर साइड। कल रात को थोड़ा लेट हो गया था जब मैं घर पहुंची, इट वाज अराउंड 9:30। सो फिर जैसे मैं पहुंची, आई जस्ट वेंट स्ट्रेट टू बेड बिकॉज आई वाज वेरी 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 टायर्ड ऑफ यू नो ऑफ ऑल द ट्रैवलिंग दैट आई हैड इन द लास्ट 2 डेज। सो दैट्स इट विद द व्लॉग गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप यू एंजॉयड हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर फ्रेंड्स वेडिंग। एंड या इफ यू लाइक्ड इट, लाइक आई से एवरी डे, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशंस आइकन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ व्हिचएवर वीडियोस आई पोस्ट रेगुलरली, सो यू गेट टू सी इट यू नो एज़ सून एज़ इट्स पोस्टेड। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।